आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट टू का लेक्चर नंबर 13, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देख लिए हो। जीओसी पार्ट वन में हमने डिटेल डिस्कशन की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और पार्ट टू में हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में जो टॉपिक आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था डिस्कशन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। बट ये आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग है कि हमने ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्यों सीखने शुरू किए थे। वेल, हम सीख रहे हैं कि हम एक मॉलिक्यूल अगर हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो उसमें हम ये बता सकें कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, राइट? तो सबसे पहली चीज, अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को सीख रहे हो तो यही है कि अगर मॉलिक्यूल है आपके सामने तो आपको ये मालूम हो कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता। तो उस लर्निंग में आपने सीखना शुरू किया हाउ टू टेस्ट फॉर द कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, राइट? और अगर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा। वो जो दो पेयर ऑफ कंपाउंड्स है वो डिफर करते हैं इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनांशियोमर्स भी बोलते हैं। और ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सब कुछ आप सीख चुके हो। अब टेस्टिंग फॉर द कायरलिटी में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सिर्फ एक कायरलिटी सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल 100% कायरल मॉलिक्यूल होता है, वो 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। बट सपोजिटली हमें ऐसा मॉलिक्यूल पूछा जाए जिसके अंदर या तो कोई कायरलिटी सेंटर है ही नहीं, या ऐसा मॉलिक्यूल पूछ लिया जाए जिसमें एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर हो, तो हम क्या करें, हमें नहीं मालूम था। इसलिए हमने शुरू किया सीखना एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो चार एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे आपने पिछले लेक्चर में सीखा। और अगर एक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, वेल वो मॉलिक्यूल एक कायरल होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम तीन एलिमेंट्स और हैं सिमेट्री के, उनको सीखेंगे। सबसे पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और थर्ड होगा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्लास 11th और 12th में जो आपको लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज प्लेन ऑफ सिमेट्री की और सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल एक कायरल, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल होगा एक कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल एक कायरल होना ही है। दोनों के दोनों एब्सेंट होने चाहिए अगर एक मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना है। बाकी के दो सिमेट्री एलिमेंट्स का क्या करेंगे हम, वेल एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट भी हो तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है या ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको जरूर बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, बट आपको मॉलिक्यूल्स में उसको देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, बट अगेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्लास 11th और 12th की स्टडी के लिए आपको ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में जानना जरूरी नहीं है। आपके एग्जांपल्स में आपको कभी भी ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए इस लेक्चर में आपको बताऊंगी जरूर कि ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, बट आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को ही टेस्ट करना है, ठीक है? और अगर वो दोनों प्रेजेंट हैं तो वेल मॉलिक्यूल एक कायरल, अगर दोनों के दोनों ही एब्सेंट हैं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, राइट? सो मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर H2O केमिस्ट्री चैनल से, और आई होप आप भी लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर।
सो सबसे पहले शुरू करते हैं आज सेंटर ऑफ सिमेट्री से और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. सो एन इमेजिनरी पॉइंट थ्रू विच इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एन एटम और अ ग्रुप इट विल एनकाउंटर एन आइडेंटिकल एटम और ग्रुप एट द सेम डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इमेजिनरी सेंटर. अब इसका मीनिंग क्या है इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक वॉटर मॉलिक्यूल का जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट लें, कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम के सेंटर में हमने इमेजिन किया एक पॉइंट. अब इस पॉइंट से जितना दूर हम हाइड्रोजन के एटम तक गए, मान लिया हम x डिस्टेंस गए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हम x डिस्टेंस जाएंगे तो हमें एक हाइड्रोजन का एटम मिलना चाहिए. राइट, तो इसको एक और डायग्राम के साथ देखोगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के एटम में एक सेंटर हमने माना कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इस सेंटर ऑफ सिमेट्री से x डिस्टेंस हम इधर आए, हमें एक हाइड्रोजन एटम मिला, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे x सेंटीमीटर x मीटर जितना भी हम डिस्टेंस गए हमें एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सिमिलर एटम मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा. इसलिए हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है. तो ये वो इमेजिनरी पॉइंट है जिसके थ्रू अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें टू एन एटम और अ ग्रुप. ठीक है, तो हम एक एटम या ग्रुप तक हमने एक लाइन को ड्रॉ किया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी दूर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें वहां पे एक सिमिलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मिलना चाहिए, तभी हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं. फाइन, अब ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये मॉलिक्यूल के हर एटम के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. फाइन, अगर हम यहां से बात कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन से जितना डिस्टेंस आप गए उतना इधर भी उतना ही जाना चाहिए और आपको एक हाइड्रोजन का एटम मिलना चाहिए. ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला एंड नॉट टू द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. फिशर प्रोजेक्शन एक टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन है. ठीक है, और हमें इसको हमेशा किस पे अप्लाई करना है, एक 3D फॉर्मूला पे, बिकॉज फिशर प्रोजेक्शन पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वहां पे हम गलती कर सकते हैं इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को लेकर. इसको आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे जब मैं आपको फिशर प्रोजेक्शंस कुछ मॉलिक्यूल्स की बताऊंगी. सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल है एक BF3 मॉलिक्यूल का. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये बोरॉन का एटम है, 3 फ्लोरीन के एटम है, तो इसमें अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पे सेंटर में एक हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री लिया. अब सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ लिया, हम एक x डिस्टेंस इस फ्लोरीन के एटम पे गए, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हमें x डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए एक फ्लोरीन का एटम मिलना चाहिए. वेल, आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एब्सेंट है, तो लेट मी शो यू. ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन से इधर गए तो आपको एक फ्लोरीन मिला, इस साइड पे कुछ नहीं मिला, इधर आए तो एक फ्लोरीन का एटम मिला, इधर गए तो कुछ नहीं मिला, इधर गए तो एक फ्लोरीन का एटम गए, इधर कुछ नहीं मिला. इसलिए BF3 के मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं सो दैट कि जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से आपको आ जाए और आप किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री बता सकें प्रेजेंट है या नहीं. सो नेक्स्ट जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हो वो दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक बेंजीन का मॉलिक्यूल. अमोनिया के मॉलिक्यूल में अब देखो नाइट्रोजन के एटम के सेंटर में अगर हम माने कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने इमेजिन किया तो एक डायरेक्शन में आप यहाँ गए तो हाइड्रोजन मिला, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको कुछ नहीं मिला. सिमिलरली इधर आए हाइड्रोजन, इधर आए कुछ नहीं, इधर आए हाइड्रोजन कुछ नहीं. सो अमोनिया के मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है. बेंजीन के मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ द रिंग्स को अगर हम इमेजिन करें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो अगर आप वर्टिकली अप जा रहे हो तो एक कार्बन और हाइड्रोजन, उतना ही डिस्टेंस नीचे आए तो कार्बन और हाइड्रोजन.
सिमिलरली इधर गए कार्बन हाइड्रोजन, ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन, इधर आए कार्बन हाइड्रोजन, इधर आए कार्बन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है कि अब इस पॉइंट के जिस भी तरफ गए आपको जो एटम्स मिले उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने पे आपको सिमिलर एटम्स मिले, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जहां पे भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एक आयरल मॉलिक्यूल। अमोनिया के मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट है, मगर पिछले लेक्चर में आपने देखा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो अगेन क्या हुआ, मॉलिक्यूल एक आयरल। चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक आयरल मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल अंडरस्टैंड करने से पहले एक और चीज है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कॉट का, एक बेड का, एक कॉट का, जिसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ चार पोस्ट्स, ऑलराइट। चार पोस्ट या चार आपको कि स्टिक्स बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पे अटैच कर रही हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। और अब क्योंकि ये बेड है या एक कॉट है, इसका मतलब ये है कि इसके चार पैर भी ज़रूर होंगे, तो इसके चार पैर हमने ग्रीन कलर में ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब जो रेड कलर में है वो ऊपर की तरफ बेड से पोस्ट निकल रहे हैं, स्टिक्स निकल रहे हैं, और नीचे ग्रीन कलर के क्या हैं, बेड के पैर हैं। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि आपके पास एक थ्रेड है, एक धागा है, एक धागा है जिसको आपने इस बेड के सेंटर से बांधना है, किसके साथ, बेड के दो पोस्ट्स के साथ जो कि बिल्कुल एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट है, राइट। मेरे पास एक धागा है, एक धागा है, मैंने यहाँ से पोस्ट पे बांधा, मैं यहाँ पे गई, यहाँ से मुझे डायगोनली ऑपोजिट दूसरे पोस्ट पे जाना है, ठीक है। तो आप ये धागा कैसे बांधोगे, वेल जब आप यहाँ पे सेंटर पे पहुंचोगे तो इमेजिन करो कि ये आजकल की जो लकड़ी वाला बॉक्स वाला बेड नहीं है, जो पुराने जमाने में रस्सी वाले बेड होते थे वैसा बेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्न देंगे सो दैट कि हम दूसरी साइड पे इसको पास करते हुए जा सकें, राइट। तो ये असेंशली अगर हम लाइन्स की टर्म में बात करें तो ये दो लाइन बनेगी, एक लाइन ये यहाँ सेंटर तक और दूसरी लाइन ये यहाँ तक। ये एक स्ट्रेट सिंगल लाइन नहीं हो सकती क्योंकि हम एक ऊपर से शुरू करके नीचे आ रहे हैं और फिर नीचे से वापस ऊपर बैठ के पोस्ट पे जा रहे हैं। मगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि टर्न भी नहीं करना है, आपने इस धागे के साथ बेड के पोस्ट को टाई करना है, और वेल आप क्या सोचोगे कि कैसे टाई किया जा सकता है इस सेंटर में से, वेल हम इस सेंटर से अगर धागे को पीछे को नीचे को निकाल देंगे और अगर हम इस बेड के पैर के साथ इसको बांध देंगे तो ये एक सिंगल लाइन बनेगी। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर दो बेड के पोस्ट को आपको टाई करना पड़ेगा तो दो लाइंस यूज करनी पड़ेंगी, मगर अगर एक पोस्ट से ऑपोजिट साइड के आपको पैर को बांधना हो सेंटर से निकलते हुए एक धागे के साथ, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री के टर्म्स में बात करते हैं। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री सपोजिटली मेरे पास यहाँ पे एक CH3 मॉलिक्यूल है, बाकी सब हाइड्रोजन है, मुझे एक CH3 मॉलिक्यूल सॉरी एक ग्रुप इस तरीके से लगाना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो क्या होगा, आपको वेल इसके डायगोनली ऑपोजिट जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री के। अगर ये CH3 ग्रुप इधर है तो इसके डायगोनली ऑपोजिट साइड पे जाओगे। अब आप इस CH3 ग्रुप को कहाँ पे लगाओगे, बेड के पोस्ट पे लगाओगे या पैर पे लगाओगे, ऑब्वियसली आपको इसको पैर पे लगाना पड़ेगा, तभी ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगा। अगर आप CH3 ग्रुप को यहाँ पे ऊपर लगा दोगे तो ये इसके ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कहाँ पे होगा, इस सेंटर में से निकलते हुए नीचे जाकर बेड के पैर के ऊपर लगेगा, तब ये इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिमेट्री बनेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखनी पड़ेगी जहां पे आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। तो अगर ये साइक्लोब्यूटेन है और वन पोजिशन पे और थ्री पोजिशन पे मुझे मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, तो वन हैज टू बी अबव द प्लेन एंड द अदर हैज टू बी बिलो द प्लेन
ऑफ द मॉलिक्यूल तभी ये सेंटर ऑफ सिमेट्री बनेगा। अगर एक ऊपर है और एक नीचे है तो उस केस में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप, और इस तरीके से जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिस करवाए थे, उन सब मॉलिक्यूल्स को एक बार लिख के खुद से सेंटर ऑफ सिमेट्री उनमें ढूंढने की आप ही कोशिश करो। बहुत सारे मैंने आपको वहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स करवाए थे। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और दे रही हूँ, और वो एग्जांपल लेट अस सी दैट, ये वाला मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो कि ये एक हेक्सागन है, राइट। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ आप ग्रुप्स भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पोजेस करता है या नहीं करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है हेक्सागन के सेंटर में, तो एक कॉर्नर से शुरू किया यहाँ पे NH, इसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर पे क्या एक NH है, हाँ है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट में मूव किए एक कार्बन विद अ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर ऑपोजिट साइड पे जाओगे एक कार्बन विद अ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अबव द प्लेन जा रहा है, ये वाला बिलो द प्लेन जा रहा है। अगर ये दोनों ही अबव द प्लेन होते तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। यहाँ पे एक अबव है एक बिलो है तो वेल सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्बन पे मूव करोगे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन अबव मिथाइल ग्रुप बिलो, मिथाइल ग्रुप अबव हाइड्रोजन बिलो। तो इस मिथाइल ग्रुप से सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास करते हुए आप नीचे वाले मिथाइल ग्रुप पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हर ग्रुप हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री से इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आइडेंटिकल मिला, तो ये मॉलिक्यूल में क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिस इज प्रेजेंट। और ये ट्रांस कंपाउंड है क्योंकि अबव द प्लेन ऑफ द रिंग एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिली, सेम साइड पे नहीं डिफरेंट ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी का अगर हम एक सिस स्ट्रक्चर देखें, इस सिस स्ट्रक्चर में अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन अबव है और मिथाइल ग्रुप बिलो है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो हाइड्रोजन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो मिथाइल ग्रुप मिला, मिथाइल ग्रुप मिला तो इसका मतलब है सिस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज गोइंग टू बी एब्सेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि कहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इथीन का मॉलिक्यूल। इथीन के मॉलिक्यूल में यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हो तो इधर कार्बन ऊपर गए हाइड्रोजन, नीचे आए हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिस इज प्रेजेंट। सिमिलरली अगला स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे क्या है, अगेन मिथाइल ग्रुप क्लोरीन क्लोरीन, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे। कंपाउंड कौन सा है, टार्टेरिक एसिड। सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स में इनवेरिएबली आपने टार्टेरिक एसिड का नाम मुझसे सुना है, ठीक है, सुना है, आई होप सब लोगों को याद भी है। इनफैक्ट पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको टार्टेरिक एसिड दिखाया था और वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, बट वो यहाँ से इस मॉलिक्यूल से स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो भी अभी अंडरस्टैंड करते हैं। पहले इस कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला IUPAC नेम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करो। इसमें यहाँ पे COH ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होता है दैट इज कार्बन नंबर वन, तो कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, चार कार्बन मतलब ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड्स ब्यूटेन, फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड इस कंपाउंड का IUPAC नेम है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली टार्टेरिक एसिड। अब टार्टेरिक एसिड के इस मॉलिक्यूल में अगर हम बताना चाहें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कायरालिटी देख लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एक ही हो तो काम चल जाएगा, मगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये वाला कार्बन जिसपे मेरी रेड डॉट है इस टाइम पे और ये वाला कार्बन, दो कायरालिटी सेंटर है क्योंकि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, दो कायरालिटी सेंटर, तो हम कायरालिटी सेंटर के बेसिस पे तो हम नहीं बता सकते कि मॉलिक्यूल के अंदर
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो अब हम क्या करें? वेल, हम अब मूव करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पे, तभी तो हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को सीख रहे हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या नहीं? एक प्लेन आप इस तरीके से यहाँ पे बनाओ, अगर बनाओगे तो वेल आप देखोगे कि एक साइड पे हाइड्रोजन आएगा, दूसरी साइड पे OH ग्रुप आएगा, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स नहीं बनेंगे। सिमिलरली अगर आप ऐसे भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो एक साइड पे H आएगा, एक साइड पे OH आएगा, आपको ये मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम किस पे मूव करते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। अगर इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगी तो वेल आपके लिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको फर्क नहीं पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी में, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ना ही नहीं है। इस मॉलिक्यूल में एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी हम देखते हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है। मगर अगर आप फिशर प्रोजेक्शन देखो, तो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ये बताया था कि मॉलिक्यूल के फिशर प्रोजेक्शन से कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री को नहीं जज करना। ये एक टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए। अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हो, तो आप क्या करोगे? ये पॉइंट से इधर कार्बन सी ओ एच ग्रुप, इधर कार्बन सी ओ एच ग्रुप, इधर गए ओ एच, इधर गए ओ एच, इधर गए एच एच। तो इसका मतलब है फिशर प्रोजेक्शन को देख के हमें ऐसे लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मगर एक्चुअली में इस मॉलिक्यूल में थ्री डायमेंशनली सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये मॉलिक्यूल एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसका अगर आप मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो जो वो कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आपका जो क्वेश्चन है वैलिड होगा कि मैम अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर प्रोजेक्शन से नहीं बता सकते तो हम कैसे बताएंगे? पहली चीज तो ऑब्वियसली वही आती है कि मॉडल से आपको समझ आ जाएगी। मॉडल में आपको अभी इसका दिखाने भी वाली हूँ, मगर अगेन मॉडल में आपको दिखा दूंगी, आपको बता भी दूंगी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मगर आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे? एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे एक और प्रोजेक्शन सीखनी पड़ेगी, इसको और एक वे ड्रॉ करने का सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ए सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। वहां से आपको फटाफट मालूम लग जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, अब अगर हमने अभी तक वो नहीं सीखा तो हम कब सीखेंगे सौ हॉर्स प्रोजेक्शन? तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू लेक्चर्स, जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शुरू करेंगे वहां पे मैं आपको सौ हॉर्स प्रोजेक्शन और एक और प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन वो दोनों सिखाऊंगी। अभी नहीं सिखाया सो दैट कि आपका कंसेप्ट इन दो प्रोजेक्शन को लेके अच्छे से समझ में आने लग जाए, और फिर दो नए वेज और सीखेंगे तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सारे इकट्ठे नहीं बताए हैं। वहां पे मैं आपको एक फिशर प्रोजेक्शन को सौ हॉर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट भी कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगी, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा इसको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे आप उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री को देख पाओगे कि प्रेजेंट है या नहीं। सो सब हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। फाइन, तो अभी आपके लिए क्या करेंगे हम? मॉडल्स आपको दिखाऊंगी, मॉडल के साथ आप अंडरस्टैंड जरूर कर जाओगे कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ऑलराइट, बट बिफोर वी डू दैट, एक और मॉलिक्यूल जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था जिसे हमने टार्टेरिक एसिड कहा था, तो इस टार्टेरिक एसिड में और इस टार्टेरिक एसिड में फर्क क्या है? वेल, दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दोनों का सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम है। यहाँ पे भी एक कार्बन पे एक सी ओ एच, एक हाइड्रोजन ओ एच लगा है, इधर भी ऐसे ही लगा है, इधर भी ऐसे ही लगा है। फर्क क्या है? यहाँ पे इस साइड पे आप देखते हो कार्बन कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड के एक साइड पे H और OH, और यहाँ पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन, ऑपोजिट साइड पे दोनों OH ग्रुप्स, राइट? ऐसे कंपाउंड में पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो दो साइड्स जो इक्वल हाफ्स आएंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है जबकि ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है।
ठीक है, आई होप सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया इस कंपाउंड को इस कंपाउंड से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसका हमने एक स्लाइटली डिफरेंट नाम रखा, इसका नाम है मीजो टार्टेरिक एसिड। ये वर्ड मीजो क्यों यूज किया है, अगेन मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ, नॉट नेक्स्ट लेक्चर, मे बी वन और टू मोर लेक्चर्स, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगी कि मीजो वर्ड आपको कहाँ पे यूज करना है। मगर फॉर द टाइम भी इसको हम क्या बोलेंगे, मीजो टार्टेरिक एसिड। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो कि आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो मिरर इमेज हाफ होगा वो इसके मिरर इस वाले कंपाउंड से आइडेंटिकल होगा। इसलिए टार्टेरिक एसिड के सिर्फ तीन आइसोमर्स हैं, दो ये वाले, एक ये और इसका इनेंशियोमर, और तीसरा ये वाला जिसे हम मीजो टार्टेरिक एसिड कहते हैं और इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। रही बात हम पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या नहीं, फिशर प्रोजेक्शन देखोगे तो आप कहोगे नहीं, एक साइड पे H, एक साइड पे OH, एक साइड पे H, दूसरी साइड पे OH, मगर इसके अंदर भी वेल फिशर प्रोजेक्शन आपको धोखा दे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, चाहे वो हमें अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। ऑल राइट, ओके। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स को मैं अभी आपको एज मॉडल्स दिखाऊंगी, सो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री तो उसमें समझ में आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप जब 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस बनाओगे तो आपको खुद से बनाने भी आ जाएंगे और अंडरस्टैंड भी खुद से हो जाएगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, फाइन। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, फर्क क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में फर्क है। तो ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। टार्टेरिक एसिड ये वाला और ये वाला, दोनों कैसे आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब अगर ये इनेंशियोमर्स नहीं है तो ये क्या है, ये डायस्टीरियोमर्स है। आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था मैंने कि डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, मगर फिर भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो अब इसके मॉडल्स देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री को। सो हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो दो मॉडल्स, ये दो मॉडल्स हैं, टार्टेरिक एसिड जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और मीजो टार्टेरिक एसिड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। तो हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं, जिसमें ग्रीन बॉल्स लगी हैं वो कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। सिर्फ मैंने इनमें बॉल्स का कलर डिफरेंट किया है सो दैट आप आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर सको, राइट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं टार्टेरिक एसिड जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और उसको उसके मॉडल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास है COOH ग्रुप, ये कार्बन नंबर 2 जो कि कायरालिटी सेंटर है, उस पर एक OH लगा है, एक H लगा है, एक साइड पे ग्रीन बॉल है, एक साइड पे ब्लैक बॉल है। तो इसका मतलब क्या है कि चार डिफरेंट ग्रुप्स इस पे लगे हैं और ये कायरालिटी सेंटर है। सिमिलरली ये भी एक कायरालिटी सेंटर है, ये हो गया कार्बन नंबर 3, इस पे हाइड्रोजन OH और चौथा कार्बन COH ग्रुप। तो ये टार्टेरिक एसिड के साथ आप इस तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हो मॉडल को, फाइन। अब इसमें आप क्या देखते हो कि इसमें कार्बन कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके एक साइड पे एक ब्लू और एक रेड बॉल है और ऑपोजिट साइड पे एक रेड और ब्लू बॉल है। तो आप इसको इस तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक साइड पे H और OH, दूसरी साइड पे भी एक H और OH, फाइन। अब हमने मॉलिक्यूल के अंदर बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं। तो सबसे पहले दो कायरालिटी सेंटर थे तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को देखना पड़ा, तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले, अब प्लेइंग कार्ड नहीं है यहाँ पे, तो आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे हमने एक वाई जेड प्लेन लिया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो हमने इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को दो हाफ्स में काटा। जब दो हाफ्स में हमने मॉलिक्यूल को इस तरीके से काटा, एक साइड पे ग्रीन ग्रीन, येलो ब्लैक बॉल ब्लैक बॉल, और दूसरे एक तरफ आपके पास आएगा ब्लू बॉल और एक तरफ आएगा रेड बॉल।
तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स नहीं होंगे। दूसरी आप सिमेट्री चेक कर सकते हो अलोंग द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कट किया तो सी ओ एच ग्रुप्स को आपने दो हाफ्स में काटा, दो कार्बन्स को दो हाफ्स में काटा, और एक साइड पे आपके पास ब्लू बॉल आएगा, पीछे वाले के साथ एक रेड बॉल चला जाएगा, राइट। तो अगेन ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन सॉरी एक्स जेड प्लेन में भी आपको प्लेन नहीं मिलेगा जो कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दो दे सके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मॉलिक्यूल में है। दूसरा हमें चेक क्या करना है यहाँ पे कि इसमें फिशर प्रोजेक्शन में हमें लगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल में थ्री डायमेंशनली अगर देखते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। तो अब हमने कैसे देखा उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमने उसमें फिशर प्रोजेक्शन में जो लेबल किया है वो है कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है इसके सेंटर को हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री माना। अब आप यहां से गए कार्बन मिला, कार्बन मिला, आगे गए एक ब्लू बॉल मिली, पीछे उतना ही डिस्टेंस आए एक ब्लू बॉल मिले, आगे गए एक रेड बॉल मिली, पीछे ही उतना डिस्टेंस गए एक रेड बॉल मिली। बट अब इस ग्रीन बॉल के लिए क्या होगा, इस ग्रीन ये ग्रीन बॉल इससे ऊपर है तो इसके ऑपोजिटली कहां पे होनी चाहिए बॉल इक्विडिस्टेंट, नीचे, इस कार्बन के नीचे होगी तभी ये इक्विडिस्टेंट एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा सिमिलरली इसके लिए भी। तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। फिशर प्रोजेक्शन में आपको लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है बट एक्चुअली में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो वो है मेसोटार्टरिक एसिड, तो उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये मेसोटार्टरिक एसिड है, मेसोटार्टरिक एसिड में सिर्फ फर्क क्या है कि ये मैंने इसको COH ग्रुप को येलो बॉल से रिप्रेजेंट किया है, फाइन। अब इसमें मेसोटार्टरिक एसिड में ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, इसके आप एक साइड पे देख सकते हो दोनों ग्रुप्स, दोनों ब्लू बॉल्स हैं, दोनों COH ग्रुप्स, और दूसरी साइड पे दोनों हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेसोटार्टरिक एसिड में और दूसरे टार्टरिक एसिड में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हाफ्स नहीं है, सॉरी मिरर इमेजेस नहीं है, इसलिए हम इनको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को मिरर इमेजेस नहीं लगेंगे आपको, राइट। एक में ब्लू बॉल्स, एक में ब्लू और रेड बॉल, तो ये डायस्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के। Alright, तो अब इसके अंदर भी दो कायरलिटी सेंटर हैं, बट हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फाइन, कायरलिटी सेंटर होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगेन अगर आप इसकी एक वाई जेड प्लेन बनाओगे, इस मॉलिक्यूल को यहां से दो हिस्सों में काट दोगे तो आपके पास आइडेंटिकल हाफ्स आएंगे, मिरर इमेज हाफ्स, एक साइड पे ब्लैक बॉल, एक साइड पे ब्लैक बॉल, येलो बॉल, येलो बॉल, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में भी, स्ट्रक्चर में भी आपको आसानी से वो दिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेक्स्ट हम क्या पहुंचते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री में। इसी तरीके से अगर इसमें मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखूंगी तो आपको लगेगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मान ले हो, आगे आप गए तो एक ब्लू बॉल है, इक्वल डिस्टेंस पीछे गए तो आपके पास एक रेड बॉल है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। बट यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। जब एक पाई बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, जो कि आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखी, मगर ये एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और इसके अराउंड ग्रुप की फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो सपोजिडली अब मैं इस मॉलिक्यूल की एक फ्री रोटेशन करूँ एक 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है, वेल एक्चुअली में ये पहले वाले मेसोटार्टरिक एसिड का ये एक कन्फॉर्मर है जो आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में स्टडी करना है, ठीक है। तो उसको हम वहीं पे स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं। ये वही मेसोटार्टरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, सिर्फ क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो ये किसी एक मोमेंट पे घूम गया, और जब वो घूमा तो हमने क्या देखा कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री था। यहाँ पे एक येलो बॉल है, ऑपोजिट येलो बॉल है, यहाँ पे एक रेड बॉल है, नीचे एक रेड बॉल है, यहाँ से एक ऊपर ब्लू बॉल है, यहाँ पे सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ब्लू बॉल है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, चाहे जहां पे आप इनिशियली देख रहे थे उसके एक कन्फॉर्मर में प्रेजेंट है, बट ये मेसोटार्टरिक एसिड का ही मॉलिक्यूल है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट,
ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. प्लेन ऑफ सिमेट्री इजिली विजिबल, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. अब आप यही कहोगे कि मैम इसको भी तो ऐसे ही घुमा सकते हैं, और अगर इसमें हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो मैं बिल्कुल आपको वैसे ही करके दिखाती हूँ. इसके अंदर भी 180 डिग्री के एंगल पे हमने इसको घुमाया, ठीक है. अब आप इसमें क्या देख सकते हो, खुद से देखो कि आपको ग्रीन ऊपर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ग्रीन वॉल मिलेगा. बट अब क्या हो गया, अब ये जो रेड है इसके ऑपोजिट बैक जाओगे तो आपको ब्लू वॉल मिल रही है. तो अगेन आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री फिर भी नहीं मिला. इसको आप किसी भी तरीके से घुमा के देखोगे, फ्री रोटेशन करके देखोगे, तो आपको इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगा. इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि मीजोटार्टेरिक एसिड के अंदर वो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिली, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिली और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपने देख ली, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो आई होप अब आप लोगों को ये टार्टेरिक एसिड समझ में आ गया कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिस इज गोइंग टू बी एब्सेंट, ठीक है. अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं. नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर अब आप फटाफट देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा. चार कार्बन की एक रिंग है, तो चारों कार्बन से एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट, ये वाला इसके, ये वाला इसके. अब ये वाला एच अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है, इसके लिए हमें नीचे चाहिए एक एच डायगोनली ऑपोजिट बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है. सी ओ एच बिलो है तो ये अबव है, परफेक्टली फाइन. ये वाला एच ऊपर है, ये वाला एच नीचे है, ये वाला ओ एच नीचे है, ये वाला ओ एच अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये कायरालिटी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं CH4 में अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा. तो मिथेन के मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है. सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मगर इसमें आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. और सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आप याद रख सकते हो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम में, वेल यहाँ पे आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये वाला मॉलिक्यूल, PCl5 मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे सेंटर में फॉस्फरस, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, बट इस क्लोरीन के ऑपोजिट नहीं, इसके ऑपोजिट नहीं, इसके ऑपोजिट नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज गोइंग टू बी एब्सेंट. नेक्स्ट अब हम और कुछ मॉलिक्यूल्स फटाफट देख लेते हैं. SF6 सल्फर एटम सेंटर में, एक फ्लोरिन ऊपर, अब द प्लेन ऑफ द रिंग एक नीचे, कैंसल कर जाएगा. ये चारों इन द प्लेन ऑफ द रिंग डायगनली एक दूसरे को ऑपोजिट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. H2O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स के बॉन्ड में सेंटर से अगर आप इमेजिन करो सेंटर ऑफ सिमेट्री को, तो इधर ऑक्सीजन एटम, इधर ऑक्सीजन एटम, यहाँ से ऊपर जाओगे तो हाइड्रोजन, नीचे आए तो एक हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. ये क्या है स्ट्रक्चर, ये है ब्यूटूइन. ब्यूटूइन के अंदर अब आप देख रहे हो कि ये कौन सा है, ये ट्रांस है, ठीक है. ट्रांस कंपाउंड में एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे आएगा इस सेंटर ऑफ सिमेट्री से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, जबकि सिस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा. मगर इस मॉलिक्यूल में आई होप यू रिमेम्बर कि इस मॉलिक्यूल को हम में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. सो अब आई होप आप लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री अच्छे से समझ में आ गया है. किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे मॉलिक्यूल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा. अब रह गए बाकी दोनों, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहले डेफिनेशन, इमेजिनरी एक्सिस अराउंड विच बाय रोटेटिंग थ्रू अ मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज अ 360 डिग्री बाय एन द सेम कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड एज AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है. इसका अब मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हो cis-1,3-dimethylcyclobutane, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ आपके पास. पहले ये चार कार्बन की रिंग साइक्लोब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये सिस कंपाउंड है, सिस कंपाउंड में क्या होगा, दोनों ही CH3 ग्रुप्स एक ही साइड पे होंगे, या अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन होंगे। अब इसके अंदर हमने एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिया, एक इमेजिनरी एक्सिस लिया जिसके अराउंड इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट किया, आप इमेजिन करो कि ये यहाँ पे आपने पास एक पेपर है, इस पेपर में से आपने परपेंडिकुलरली एक पेंसिल सेंटर में से पास किया, वो जो पेंसिल बनेगी वो उसका एक्सिस बनेगा, ठीक है। उस एक्सिस के अराउंड अब आपने इस पेपर को रोटेट किया, अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करोगे, ये जो CH3 था और ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब अगर मैं इसको 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दूँ तो ये CH3 कहाँ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो असेंशली क्या होगा, आपके पास सिमिलर ही स्ट्रक्चर मिलेगा 180 पे रोटेट करने पे। अगर ये कार्बन नंबर 1 था तो वेल अब ये कार्बन नंबर 1 है, बट आपको फर्क नहीं लग रहा क्योंकि दोनों जगह पे 1 और 3 पे सेम ग्रुप्स अटैच थे, राइट। तो हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया और हमें मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मिला, तो ऐसे एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसका मतलब है कि हमने इसको 360 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तभी हमें 180 मिला, तो इसके अंदर टू फोल्ड सिमेट्री है। टू फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 2 बारी घुमा सकते हो 360 डिग्री के अंदर, सो दैट कि आपको 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स मिल गए, ठीक है। पहले 180 पे घुमाया, ये मिल गया, 180 पे वापस घुमाओगे, ओरिजिनल पे वापस पहुंच जाओगे, तो 2 बारी आपको 360 के एंगल के अंदर अंदर सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको हम क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फाइन। जितनी बारी भी आपको घुमाने पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल सकते हैं उतना फोल्ड ऑफ सिमेट्री एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बारी समझ लो, ऑलराइट। सो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको क्या बोलोगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं अल्टरनेट और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। तो अल्टरनेट और एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय एन अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, जिससे उसका जो मॉलिक्यूल है वो फिर भी आइडेंटिकल रहता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम उस पर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन में उस मॉलिक्यूल की रिफ्लेक्शन को देखते हैं। अगर जो रिफ्लेक्शन आई वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से आइडेंटिकल हो तो हम उसको कहते हैं एन फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और अगर एक मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, राइट। मगर इस 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन में आप देख रहे हो कि 2 CH3 जो डायगनली ऑपोजिट हैं वो बिलो द प्लेन है और 2 CH3 अबव द प्लेन है। सपोजिटली अगर मैंने इस यहाँ पे इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 माना, इसको 2, 3 और 4 माना, राइट। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जब मैं इसको एक 90 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगी तो ये क्या होगा, ये HOCH3 यहाँ आ जाएगा, ये CH3 इधर चला जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। मगर उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, इस कार्बन की जगह पे इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह सकती हूँ। तो असेंशली इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूँगी तो ये मॉलिक्यूल फिर भी वही मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी फोल्ड ऑफ सिमेट्री होगा, 4 फोल्ड सिमेट्री 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने पे, हर 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने पे आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा। अब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, लेट अस सी दैट। सो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉन है, ठीक है। हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, जब हमने इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया तो मान लो कि आप ये वाला जो कार्बन है वो इस पोजीशन पे आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अभी भी आइडेंटिकल है। अब आप देख भी सकते हो कि आपने इसको 1 कह दिया,
तब किसी को भी कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हो, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम ही रहने वाला है, ये आइडेंटिकल ही रहने वाला है। सिर्फ हमने क्या किया, पहले हम यहाँ से देख रहे थे, अब हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है राइट, इसके परपेंडिकुलर ये हमारे प्लेन ऑफ द रिंग है। अब हमने इस परपेंडिकुलर के इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना है, ठीक है। तो ये हमने एक प्लेन ले लिया, अब इस प्लेन के थ्रू हमने इसकी रिफ्लेक्शन क्या देखनी है दूसरी साइड पे, तो ये मिरर है राइट। मिरर कहाँ पे प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर इसके पैरेलल पड़ा हुआ होता तो आप इसको इस तरीके से देखते, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करते और फिर हम इसको ऐसे रिंग ड्रॉ करते, ठीक है। और यहाँ पे एक CH3 एक H आता, यहाँ पे एक HCH3 आता, ये CH3 और ये इस तरीके से। ये अगर हमारा जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होता, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। अब हमने यहाँ पे इसको कैसे लिया है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे अब ये जो फिगर आएगी वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एच था, ये एच ऐसे लिखेगा CH3 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 H, तो बिल्कुल इस तरीके से ये इसका मिरर इमेज हाफ है, ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस ड्रॉ कर दिए, अब आप कंपेयर करो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को। तो ये मॉलिक्यूल्स अब आपको क्या दिखेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ऐसा हो तो ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और अगर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल कैसा होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इससे ज्यादा आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले ही क्वेश्चन से सारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाना चाहिए, ठीक है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट अब हम इम्पोर्टेंटली दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ए सिमेट्री वर्सेज डिसिमेट्री। पिछले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया भी था कि एसिमेट्री क्या होता है, डिसिमेट्री क्या होता है, और ये भी कहा था कि ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, सो दैट कि आप अपने नोट्स को भी प्रॉपरली रख सकें और जब आप रिवाइज करें तो आप अपने कंसेप्ट्स को भूलें नहीं। तो सबसे पहले अभी तक आपने जो अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल हो जिसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल उस पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक भी हो सकता है। एसिमेट्री कब होगा, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चारों एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट, सारे के सारे एब्सेंट हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो बट फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता हो, उसके एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बने, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। एसिमेट्रिकल जहाँ वो चारों एलिमेंट्स एब्सेंट हो और यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है मगर फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो वो ऐसा केस कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा मगर फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल क्या है, 2,3-dibromobutane, 1, 2, 3, 4 सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। सो 2,3-dibromobutane इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंटर एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज गोइंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो प्लेन ऑफ पेपर होगा उसके परपेंडिकुलर अगर आप ये बनाओगे तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको कैसे मालूम लगेगा, वेल इसके अबाउट अगर आप 180 डिग्री के एंगल पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे,
ठीक है। तो जब आपने इसको घुमाया तो जस्ट इमेजिन करो कि आप इसको घुमा रहे हो 180 डिग्री के एंगल पे, ये CH3 घूम के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ साथ पीछे पीछे घूमता हुआ यहाँ पे आएगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर आपको क्या मिला, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला। इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, फाइन। सो स्ट्रक्चर 1 और 2 ऑफ 2-3 डायब्रोमोब्यूटेन, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस मॉलिक्यूल नंबर 1 में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, मगर अगर आप उस मॉलिक्यूल का एक मिरर इमेज बनाओगे तो ये उसका मिरर इमेज बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर 3 है अब ड्रॉ किया, ये क्या है, इसका मिरर इमेज है। और ये दोनों को अगर आप सुपर इम्पोज करोगे एक दूसरे के ऊपर तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने रखा, इधर बी आर आएगा, इधर एच आएगा, इधर एच बी आर के ऊपर आएगा। आप इसको 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करके सुपर इम्पोजिबिलिटी को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिफ्ट नहीं करना है, ऐसे घुमा के नहीं करना, फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी इस मॉलिक्यूल को टर्न ओवर नहीं करना, सिर्फ प्लेन ऑफ द पेपर में ही रोटेट करना, ठीक है। तो 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो सेम स्ट्रक्चर ही आपको मिलेगा, और इसको इसके ऊपर रख के देखा तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेंगे। इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, और इनैंशियोमेरिज्म शो करेंगे। ये दोनों फॉर्म्स क्या होंगे, 1 और 3 एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, इससे डिसिमेट्रिकल ना कि एसिमेट्रिकल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो कोई भी जो अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल हो तो वो हमेशा डिसिमेट्रिकल होगा, मगर हर डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नेसेसरली एसिमेट्रिकल नहीं होगा, राइट। और दोनों डिसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ बाकी तीनों चीजें देखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और क्लास 11th और 12th में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल, ठीक है। बट एक्चुअली में ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी हमें चेक करना होता है, फाइन। सो बोथ डिसिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन द टर्म कायरलिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसिमेट्री एंड डिसिमेट्री। सो वी से दैट द मॉलिक्यूल इज अ कायरल मॉलिक्यूल अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो। हम ये नहीं कहते हैं कि वो एक एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या वो एक डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने एक नया टर्म यूज कर लिया, कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो एसेंशियल कंडीशन क्या हो गया कि मॉलिक्यूल शुड बी अ कायरल मॉलिक्यूल। सो इस सारी अंडरस्टैंडिंग से अब हम कंक्लूड क्या करते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। तो मॉलिक्यूल जो है वो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वो मॉलिक्यूल इनैंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री प्रेजेंट हो, ठीक है। तो असेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। A molecule may not have dissymmetry even if it has a chiral carbon, right? तो ये हम देख चुके हैं मीजो कंपाउंड में, मीजो टार्टेरिक एसिड के केस में दो कायरलिटी सेंटर थे, यहाँ पे एक कायरलिटी सेंटर, दो कायरलिटी सेंटर, दो कायरलिटी सेंटर होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल ने ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं की, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको फटाफट दिखाई देगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, राइट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होना असेंशियल कंडीशन नहीं है, उस मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री होना असेंशियल कंडीशन है।
सुबह आपने ये देख लिया कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक कायरालिटी सेंटर प्रेजेंट है तो वो 100% कायरल होगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा कायरालिटी सेंटर प्रेजेंट है तो आपको मॉलिक्यूल के अंदर डिससिमेट्री को चेक करना है। अब सपोजिटली मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर कोई कायरालिटी सेंटर ही नहीं प्रेजेंट है, वहां पे आप क्या करोगे, अगेन आप मॉलिक्यूल के डिससिमेट्री को चेक करोगे। मॉलिक्यूल के अंदर जरूरी नहीं है कि कायरालिटी सेंटर प्रेजेंट हो तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अलीन्स का। तो अलीन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन है राइट, इसके साथ एक और कार्बन डबल बॉन्ड, कंसेक्यूटिवली दूसरी साइड पे एक और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन क्या ऐसा कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। तो हमने कायरालिटी के लिए, कायरल सेंटर के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या स्टडी किया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, उसके आसपास चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए तभी वो कायरालिटी सेंटर होगा। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरालिटी सेंटर तो प्रेजेंट नहीं है। मगर अगर हम अब इस मॉलिक्यूल को देखें, आपको मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बताया था कि इस कार्बन पे जो ये ग्रुप्स लगे हैं R1 और R2, ये ग्रुप्स एक प्लेन में प्रेजेंट है, और ये वाले क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये एक डिफरेंट प्लेन में फॉर्म होगा, इसलिए ये R1 और R2 इसके परपेंडिकुलर प्लेन्स में प्रेजेंट होंगे, वन गोइंग बिहाइंड द प्लेन एंड वन कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी। तो दो पाई बॉन्ड्स जो ये हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। आप अगर यहाँ से इस कार्बन से शुरू करोगे, इधर जाओगे तो एक हाइड्रोजन मिलेगा, ऑपोजिट साइड पर आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ये इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, आप इसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो एलीन के मॉलिक्यूल के अंदर डिससिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, वेल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर आप बायफिनाइल्स देखोगे तो बायफिनाइल के अंदर आपके पास ये कार्बन 6 है एक फिनाइल रिंग के अंदर, हर एक कार्बन कैसा कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इसका मतलब है ये भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई कायरालिटी सेंटर नहीं होगा। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस पोजिशन पे ऑर्थो में बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, एक NO2 ग्रुप लगा है, ब्रोमीन का एटम बड़ा है, तो ये एक दूसरे के जब पास में आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन्स में चले जाते हैं, एक फिनाइल ग्रुप एक प्लेन में, एक दूसरा फिनाइल ग्रुप दूसरे प्लेन में। अगेन इस मॉलिक्यूल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही डिससिमेट्री प्रेजेंट होगी, ना तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी आपको इस मॉलिक्यूल के, ना आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। बायफिनाइल्स भी कैसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू बी डिससिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिकल है तो वो उसके अपने मिरर इमेज कंपाउंड पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। दोनों जो कंपाउंड्स होंगे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट रखेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय किया, और अब आप किसी भी मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। और वंस अगर आपने ये ऑप्टिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वेल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस आइडेंटिफिकेशन के बाद, उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की नेमिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब सीखने वाले हैं RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या कह सकते हो R&S कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ाई करने के लिए। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।